अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज़ उस्मान खान फ्रॉम पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर बहरिया टाउन कराची। आज हम लोग लकी SST आइकन 1 की साइट लोकेशन पर मौजूद हैं। इस प्रोजेक्ट की डिटेल्स के बारे में बात करने के लिए हमारे साथ सीनियर कंसल्टेंट ऑफ पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर उस्मान अली साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम उस्मान भाई। वालेकुम सलाम। कैसे हैं उस्मान भाई? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप कैसे हैं? उस्मान भाई, सबसे पहले ये एक कमर्शियल प्रोजेक्ट है और कमर्शियल प्रोजेक्ट के डेवलपर की जो क्रेडिबिलिटी होती है वो सबसे पहले एक इन्वेस्टर के माइंड में आती है कि ये कितना क्रेडिबल जो है ये डेवलपर है। सबसे पहले आप हमें इस डेवलपर की क्रेडिबिलिटी के बारे में बताएं। इसमें देखें उस्मान भाई, मैं जो समझता हूँ ना वो यही समझता हूँ कि जो बिल्डर की क्रेडिबिलिटी है ना वो उसके काम पर डिपेंड करती है, ठीक है ना। अगर उसने प्रीवियस काम किए हैं या आउटसाइड काम कर रहा है, परफॉर्मेंस बेस अपनी दे रहा है, उस बेस के बिहाफ पे जो ना हम कहते हैं कि ये इसकी वर्थ है, ठीक है ना। इसकी ये क्रेडिबिलिटी है कि उसने ये काम करके मार्केट के अंदर दिया है, और ऑन साइड जो प्रोजेक्ट वो लेकर आ रहा है उसके ऊपर वो काम किस तरह से कर रहा है, क्या उसका काम करने का तरीक़ाकार है, क्या वो डिले कर रहा है चीज़ों को या किस तरह से आगे लेकर मैनेज कर रहा है। तो ये क्रेडिबिलिटी की बात करें, प्रीवियस वर्क भी जो है ना ये लकी SST की लोकेशन पर मौजूद है, तो इससे पहले भी इन्होंने प्रीवियस काम करके दिए अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे खासे, जो ना होम्स जो है ना रेजिडेंशियल वो प्रीसन 1, इसके अलावा मुख्तलिफ प्रीसन के अंदर बनाकर अपने कस्टमर को वो डिलीवर किए हैं, ठीक है ना। और डिलीवर करने के बाद सक्सेस रही है इनकी, और अभी रिसेंटली जो है यहाँ पे मिडवे बी के अंदर इसी तरह जो है ना कमर्शियल जो है ना ये बिल्डिंग बनाने जा रहे हैं, उसका भी ऑनसाइट काम हो रहा है। इसी तरह हमने रिसेंटली अभी एक यहाँ पे कुछ दिन पहले जो है एक डिगिंग सेरेमनी पे जो है ना गए थे, वहाँ पे भी हमने जो है ना देखा, वहाँ पे भी एक जो है ना प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, उसकी डिगिंग सेरेमनी डिगिंग का काम शुरू कर दिया ऑन साइड। उसके बाद देन यहाँ पे लकी SST आइकन की लोकेशन में मौजूद हैं, तो यहाँ पे ऑन साइड प्रोग्रेस काम जो है इसका चल रहा है। तो यही एक बिल्डर की क्रेडिबिलिटी है, उसने पहले काम करके दिए और लोकेशन के ऊपर जो है ना अच्छी लोकेशन के ऊपर नया प्रोजेक्ट दे दिया, तो इसमें भी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी जो है ना इसकी सेल हो रही है। और सेकेंडली, जैसे कि मैंने पहले मेंशन किया कि ये एक जो है वो कमर्शियल प्रॉपर्टी है, तो इसकी लोकेशन डेफिनेटली मैटर्स करती है कि कितना ये एक्सेसिबल है, जो मेन रोड्स हैं मेन एवेन्यूज से, इसकी लोकेशन की इंपॉर्टेंस में थोड़ी सी रोशनी डालिएगा। इसमें देखें लोकेशन जो है ना मिडवे ए के अंदर है, और आपको पता ही है कि हमेशा की तरह जो है मिडवे ए मिडवे बी दोनों जो है ना वो हॉट टॉपिक रहा है बैरेटाउन के अंदर, कि यहाँ पे एक कमर्शियल हब है, कमर्शियल एक्टिविटीज़ होंगी जितनी भी होंगी। और यहाँ पे मैं ये समझता हूँ कि अगर आपका आपकी लोकेशन जो प्रोजेक्ट आप दे रहे हैं उसकी लोकेशन अगर मेन एंट्रेंस के साथ है तो वो बहुत ज़्यादा जो है आपके लिए इम्पोर्टेंट रखती है, जिसमें आपका अभी इसकी बात करें इस लोकेशन की, तो कमर्शियल लेन 9 PM मौजूद हैं, इसके बिल्कुल अपोजिट साइड पे हेड ऑफिस है, ठीक है ना। जो भी हमारा कस्टमर जो भी हमारे यहाँ पे आते हैं अब वो इसी इंटरेस्ट से इंटर होते हैं, देन जो है ना आगे हेड ऑफिस की तरफ मूव करते हैं। तो यही आपने बहुत अच्छी बात की कि यानी कि इजी टू एक्सेस होना चाहिए, कस्टमर की अप्रोच होनी चाहिए, कल को अगर आप यहाँ पे बिज़नेस करते हैं तो आपके लिए आसानी हो, आपके कस्टमर को जो है ना चीज़ ढूंढनी ना पड़े, अब वो आए आके मेन से जैसे गुजरे तो उसको जो है ना आपकी ये चीज़ सामने जो आप लेकर आए हैं मार्केट के अंदर वो आपको नज़र आ रही हो, जो आप काम आउट साइड कर रहे हैं वो आपको नज़र आ रहा हो, ठीक है ना, वही चीज़ जो है ना आपके लिए प्रॉफिटेबल होती है। तो बाकी लोकेशन बहुत आइडियल लोकेशन मैटर करती है। इसके बाद अगर हम लोग इस बिल्डिंग के इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, प्लॉट साइजेस और जो बिल्डिंग के फ्लोर प्लान्स हैं उस पर काइंडली थोड़ा सा डिटेल दीजिएगा हमें। इसमें देखें प्लॉट्स का जो साइज़ है वो 266 स्क्वायर यार्ड्स के प्लॉट्स हैं, 133 स्क्वायर यार्ड्स के, दो प्लॉट्स के ऊपर ये मुश्तमिल है। और बैरियर की तरफ से जो अप्रूवल्स मिलती हैं वो इस तरह से मिलती है कि अगर दो प्लॉट्स के ऊपर आप कंबाइन करके उसको बना रहे हैं, इसके ऊपर बिल्डिंग ग्राउंड प्लस 6 की बना सकते हैं, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ना आपका जो है ना वो स्ट्रॉन्गली इसके ऊपर जो है ना बनता है। और बाकी इसी तरह जो है ना आप जो है ना इसका फ्रंट एलिवेशन सारी चीज़ें हम अपने कस्टमर को शेयर भी करते हैं, ड्राइंग से जो अप्रूवल्स हैं और इसके अलावा जो सारी चीज़ें बहुत मैटर करती हैं कस्टमर के लिए, कि अगर वो अपने पैसे लगा रहा है तो वो सारी चीज़ें जो है इस तरह से जो है उसकी वो डिमांड करता है, तो उसका ये हक बनता है, राइट भी बनता है उसको ये सारी चीज़ें दिखाई जाएँ। और डॉक्यूमेंट्स के रिलेटेड भी हमने काम मैंने पहले बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं कि हम अपने क्लाइंट्स को इसके डॉक्यूमेंट्स भी जो है ऑनरशिप किसके नाम पर है, किस तरह से इसकी फाइल बनेगी, इसके अंदर एफिडेविट कौन सा लगेगा, ठीक है, वो सारी चीज़ें जो है हम अपने क्लाइंट्स के साथ शेयर कर रहे हैं। इन द एंड उस्मान भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से, हमारे व्यूवर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि इस बिल्डिंग का अभी करंट डेवलपमेंट स्टेटस, प्रोग्रेस स्टेटस क्या है? अच्छा, इसमें देखें अल्हम्दुलिल्लाह इसकी प्रोग्रेस बहुत अच्छी जा रही है, और दूसरा ये कि मैंने लोकेशन का बता दिया पहले कि लोकेशन बहुत मैटर करती है, जिस बिहाफ पे जो है ना आपकी
उसकी वर्थ बनती है प्रोजेक्ट की। तो अभी ऑन साइड इसका काम अल्हम्दुलिल्लाह शुरू कर दिया गया है पाइलिंग का। तो पाइलिंग के आफ्टर 20 डेज कह लें कि यहाँ पे इसकी जो है डिगिंग का काम शुरू कर दिया जाएगा। जो कमिटमेंट की गई कस्टमर के साथ वो इंशाल्लाह ऑन द स्पॉट आपको मिलेगी। और बाकी इसकी जो अभी अवेलेबिलिटी की बात करते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो 90% तक जो है ना, ये हमारी सक्सेस है कि हमारा 90% तक जो है ना ये हमारा सेल हो गया, ठीक है ना। अभी इसके अंदर जो है ना अवेलेबिलिटी है तो इसमें बुकिंग भी हो सकती है अभी। थैंक यू सो मच मानवी फॉर योर प्रीवियस टाइम व्यूअर्स, दैट इज़ ऑल। वीडियो में दिए गए नंबर पर आप मज़ीद क्यूरीज़ इन्फॉर्मेशन के लिए किसी भी टाइम कॉल कर सकते हैं। थैंक यू, फी अमान अल्लाह।